अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम जाहिद है और आप देख रहे हैं टेक्निकल टिप्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूं और आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है, क्या आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में बैक वक्त 2 WhatsApp यूज़ हों? क्या आप ये चाहते हैं कि आपका व्हाट्सअप, कोई आपको मैसेज करे तो आपका व्हाट्सअप उसे खुद ब खुद रिप्लाई कर दे? और दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका जो पर्सनल व्हाट्सएप हो और आपका बिज़नेस या कोई काम वगैरह के लिए कोई व्हाट्सएप हो और वो एक ही मोबाइल में दोनों हों और वो ऑफिशियल व्हाट्सएप ऐप्स हों, ना कि दूसरी थर्ड पार्टी ऐप्स हों? दोस्तों, अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल का आइकॉन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं या मैसेंजर, फेसबुक वगैरह, तो आपने एक और दूसरी ऐप के बारे में सुना होगा जिसे व्हाट्सएप बिजनेस कहते हैं। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और आपने टाइप करना है व्हाट्सएप बिजनेस। व्हाट्सएप बिजनेस टाइप करने से ये ऐप आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, ये है तो ऑफिशियली व्हाट्सएप की, लेकिन इस पर व्हाट्सएप बिजनेस लिखा होता है। तो उस वाली जो व्हाट्सएप की पहली ऐप है उसमें व्हाट्सएप, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें व्हाट्सएप होगा सिंपल व्हाट्सएप मैसेंजर, इसमें व्हाट्सएप बिजनेस। दोस्तों, ये ऐप मैंने पहले से इंस्टॉल की हुई है तो ये इस तरह शो कर रहा है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं की तो आप इसे इंस्टॉल कर लें। और दोस्तों, ये अगर ऐसा क्यों है तो आपको मैं बताता हूँ कि काफ़ी सारे दोस्तों इसके बारे में जानते होंगे कि जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में जानते होंगे। अगर किसी दोस्त को इसके बारे में नहीं पता तो आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, इस ऐप को बनाने की क्या वजह हुई? दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पास अपना पर्सनल व्हाट्सएप है और आप अपना कोई कारोबार या कोई चीज़ प्रोडक्ट वगैरह सेल करना चाहते हैं तो आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं अपने पर्सनल व्हाट्सएप को यूज़ करूं। तो इसके लिए आप व्हाट्सएप बिजनेस बनाया गया है। आप यहाँ पर एक और नंबर के साथ साइन इन करके कोई चीज़ सेल करना चाहें तो कर सकते हैं, और दूसरे पहले वाले व्हाट्सएप को आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस ऐप को ओपन करते हैं और इसमें देखते हैं कि ऐसे कौन से फ़ीचर हैं जिसकी वजह से इसे अलग-अलग बनाया गया है। तो सबसे पहले ओपन करते हैं। दोस्तों, इसका इंटरफेस बिल्कुल उसी व्हाट्सएप की तरह है जिस तरह वो व्हाट्सएप है, लेकिन इसमें थोड़ी चेंजेस होंगी, वो आपको मैं दिखाता हूँ। अपने ऊपर तीन जो सेटिंग के आप बने हुए हैं, ऑप्शन की जो बने हुए हैं, आपने उस पर जाके सेटिंग पर क्लिक करना है और ये बिज़नेस सेटिंग पे जाना है। उसके बाद प्रोफाइल है, प्रोफाइल में यहाँ अपनी आप पिक्चर लगा सकते हैं, बिज़नेस अकाउंट वगैरह जो चीज़, और यहाँ पर जो पेंसिल का निशान बना हुआ है आप यहाँ पर क्लिक करके अपनी डिटेल वगैरह ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप अपना एड्रेस पुट कर सकते हैं, अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, और जो सेट लोकेशन ऑन मैप लिखा हुआ है आप यहाँ पर अपनी लोकेशन, जहाँ पर आपका ऑफिस है आप वहाँ, यहाँ पर अपनी लोकेशन सेट कर सकते हैं। दूसरा, कैटेगरी, डिस्क्रिप्शन वगैरह, अपना फ़ोन नंबर, जो चीज़, बिजनेस हावर्स वगैरह, ईमेल एड्रेस, अपनी साइट, तमाम चीज़ें यहाँ पर पुट करके इसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप अपने यूज़र कस्टमर को बता सकते हैं कि आप कितने, यानी कि आपका शेड्यूल क्या है काम का, और यहाँ पर आप अपना शेड्यूल बता सकते हैं और तमाम चीज़ें जो कुछ होता है आपका काम काज का वो यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इसमें इस तरह काफ़ी फीचर हैं, इस वजह से ये ऐप काफ़ी पॉपुलर है। और इसका दूसरे नंबर पे ये है कि आप अपने स्टेटस में जाके पूरा डाटा चेक कर सकते हैं कि कितना मैसेज आपके सेंड हुए, कितने डिलीवर हुए, कितने आपने रीड किए, कितने आपको रिसीव हुए। ये सारे फंक्शन इस व्हाट्सएप बिजनेस में पाए जाते हैं। और इसमें दूसरी बात, आप शॉर्ट लिंक बना सकते हैं। शॉर्ट लिंक के ज़रिए आप किसी को भी ये
लिंक भेज दें, वो इस शॉर्ट लिंक के ज़रिए आपको ज्वाइन कर सकेगा। और किसी के पास अगर आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ना हो, आप बस लिंक उसे फॉरवर्ड कर दें, वो डायरेक्ट आपके साथ व्हाट्सएप में रबते में आ जाएगा। दोस्तों, इसका एक सबसे एक ख़ास फंक्शन ये भी है, अवे मैसेज। अवे मैसेज में आप जाके आप कोई भी मैसेज यहाँ पर टाइप करते हैं तो वो जब कोई आपसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगा व्हाट्सएप पे, तो आप उनको ये मैसेज फॉरवर्ड होगा और आपको देखना भी नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर आप कोई मीटिंग में हैं और आप किसी को रिप्लाई नहीं कर सकते तो आप इसे ऑन कर दें, तो जैसे ही कोई मैसेज करेगा उसे ये ऑटो रिप्लाई जैसे होता है वैसे ही काम करेगा दोस्तों। और इसमें एक और बात है, क्विक रिप्लाईज। क्विक रिप्लाईज आप लगा सकते हैं, ये रिप्लाई ऑटोमेटिक हो जाएगा। बस आपने जस्ट कुछ चीज़ टाइप करनी है तो जो मैसेज आप यहाँ पर लिखेंगे वही टाइप हो जाएगा। यानी कि मैं कोई मैसेज टाइप करता हूँ, जैसे कि ये मैसेज है, मैंने किसी को हाई टाइप करना है, लेकिन मैं शॉर्टकट में उसकी जगह ये लगा देता हूँ कि बस मैं ये लिखूँ तो हाई सेंड हो, तो ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं किसी को मैसेज करता हूँ, जैसे मैं किसी को सेंड करता हूँ, सेलेक्ट मेरे कॉन्टेक्ट कर रहा है और मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें ये मैसेज उसे सेंड हो जाएगा। मैंने ये लिखा और ये सेलेक्ट किया, ये मैसेज सेंड हो जाएगा। इसमें इस तरह के काफ़ी फीचर हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। शुक्रिया।